अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा रिंग थ्योरी का लेक्चर नंबर ट्वेल्व है और इसके अंदर हम फैक्टर रिंग की एग्जांपल्स देखेंगे फैक्टर रिंग के से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखेंगे और सिंपल रिंग क्या होता है इसको डिफाइन करेंगे कल हमने फैक्टर रिंग को डिफाइन किया था आज हम उसके रिजल्ट्स और एग्जांपल्स देखेंगे जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास जी ये आपके पास है आ, फैक्टर रिंग हम ले रहे हैं जी आ, सेट ऑफ इंटीजर्स का रिंग लिया और उसको हम फोर के मल्टीपल्स के साथ इसका फैक्टर रिंग मालूम कर रहे हैं कल हमने इसको डिफाइन किया था कि ये जो जिसके साथ आप फैक्टरिंग डिटरमाइन करते हैं इसके साथ आपने रिंग के तमाम एलिमेंट्स के को सेट लेने होते हैं ठीक है थीके? अब इसमें इंटीजर्स में से अगर हम सपोज जीरो ले, ले लेते हैं जीरो को फोर जी में ऐड करेंगे तो वो आपके पास फोर जी ही बन जाएगा इसी तरह वन को ऐड कर देंगे इसके अंदर वन प्लस फोर जी आ जाएगा इसी तरह टू को ऐड कर देंगे थ्री को ऐड कर देंगे अगर हम इसमें मजीद फोर को ऐड करते हैं तो इस इसके अंदर पहले से ही फोर के मल्टीपल्स तो मौजूद हैं तो ये फोर इसके अंदर एड होकर इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये फोर जी बन जाएगा मतलब ये रिजल्ट हमने ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ा था कि अगर किसी ग्रुप के सब ग्रुप के अंदर ए जो है ये बिलोंग करता है तो इस ए के साथ जब हम इसका को सेट लेंगे तो वो उसके इक्वल ही आ जाता है तो वही रिजल्ट हम यहां पर इस्तेमाल करते हुए हम ये कह रहे हैं कि फोर को अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो वो तो फोर जी आ जाएगा तो ये ऑलरेडी आपके पास फोर जी इसके अंदर मौजूद है इसी तरह अगर हम इसमें फाइव ऐड कर देते हैं तो पांच को इसमें जमा करने का मतलब ये है कि फाइव को तो आप लिख सकते हैं वन प्लस फोर तो इसको वन प्लस फोर लिखेंगे ये जो फोर होगा ये उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये जस्ट आपके पास क्या बन जाएगा वन प्लस फोर जी बन जाएगा तो ये भी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है ये हमने लिख रखे. इसी तरह करेंगे तो सिक्स में से भी फोर तो उसमें ऑब्जॉर्व हो जाएगा पीछे आपके पास टू बच जाएगा तो वो भी आपके पास को सेट ऑलरेडी मौजूद है इसी तरह सेवन के साथ होगा फिर एट के साथ उसी तरह इसका मतलब है कि जो आपको इसके अंदर डिस्टिंग एलिमेंट्स मिलने हैं वो सिर्फ ये फोर है बाकी आप जितने भी इनमें इंटीजर्स ऐड करते जाएंगे उनका रिमाइंडर जो है वो इन्हीं में से आएगा मतलब फोर से डिवाइड करें तो फोर से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आपके पास बचेगा या तो फोर पर डिविजिबल है तो जीरो आ जाएगा या फिर वन आ जाएगा या टू या थ्री बेसिकली ये वही कंसेप्ट है रेजिड्यू क्लासेस वाला तो ये रिजल्ट जो है जी का अगर आप एन जी के साथ मॉड ये फैक्टर ग्रुप लेते हैं तो ये बेसिकली आइसोमार्फिक होता है जी एन के ठीक है ये जी एन के इसी तरह ये जी बाय फोर जी है तो बेसिकली ये आइसोमॉर्फिक बन जाएगा किसके आइसोमार्फिक बनेगा जी फोर के तो जी फोर के अंदर भी हम यही काम करते हैं कि आप उसको फोर पर डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर आता होता है वो हम साथ में लिख देते हैं ठीक है तो इन्हीं फोर एलिमेंट्स को आप उसके अंदर इसको आप जीरो बार से डिनोट कर देते हैं इसको वन बार से बेसिकली वो सेट यही होता है और इसको आप टू से डिनोट कर देते हैं और ये थ्री से डिनोटेड हो जाता है तो ये तरीके का होता है फैक्टर रिंग को मालूम करने का इसी तरह एक और एग्जाम्पल है कि टू जी का आपने सिक्स जी के साथ क्वेश्चन रिंग मालूम करने तो नीचे सिक्स जी है तो इसके साथ आपने आ, सारे के सारे कोसेट्स ले लेने तो अब ये इधर टू जी है जी यहां पर ये जो ए है ये इसको बिलोंग करेगा टू जी को मतलब टू जी के अंदर सारे के सारे इवन इंटीजर्स पड़े हुए हैं तो ए की वैल्यू अब जीरो लेंगे तो जीरो प्लस सिक्स मतलब इसको आप सिक्स जी ही लिख सकते हैं सिक्स जी आ जाएगा ये और इसी तरह इसमें जब आप टू ऐड कर देंगे टू प्लस सिक्स जी बन जाएगा फोर ऐड कर देंगे इसके बाद अगेन आपके पास फोर के बाद जो इवन होता है वो सिक्स आता है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद एट आता है तो एट को आप सिक्स प्लस टू लिखेंगे तो वो सिक्स एब्जॉर्ब होकर आपके पास जस्ट क्या बच जाएगा टू आपके पास आ जाएगा इसी तरह एट लेंगे तो एट में से भी उसी तरीके से सिक्स जो है वो इसमें ऑब्जॉर्ब होकर टू ये इधर बच जाएगा और एट में से ये सॉरी uh, एट तो यहां पर आएगा सिक्स एब्जॉर्ब होगा उसमें से और टेन अगर आप लेंगे तो टेन को टेन में से सिक्स एब्जॉर्ब होकर ये फोर बच जाए इसका मतलब है कि इसके अंदर ये जो एलिमेंट्स है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ थ्री बच जाएंगे जी इसी तरह ये पोलिनोम हम इस तरह से फैक्टर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं तो ये पोलिनोमियल रिंग को का आप इस आइडियल के साथ इसका क्वेश्चन मालूम कर रहे हैं तो कोई भी पोलिनोम इसके अंदर इस तरह के कोसेट्स होंगे इस आइडियल के अंदर आप कोई भी फंक्शन ऐड करते चले जाएंगे हाँ नेगेटिव भी ले सकते हैं नेगेटिव का भी वही रिजल्ट बनेगा ना जैसे ये माइनस ऊपर वाली एग्जांपल में अगर आप माइनस को ऐड करते हैं फोर जी के अंदर तो अब इसमें माइनस फोर को तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर आप फोर की सूरत में अगर इसको लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख ले थ्री माइनस फोर लिख लेंगे वो माइनस वन नहीं होता है तो ये फोर जी ये जो माइनस फोर है ये तो फोर जी में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर आपके पास थ्री प्लस फोर जी बच जाएगा जी नेगेटिव जो है वो आप इस तरह से इनको राइट कर सकते हैं माइनस टू की बात कर ले ये मैं ऊपर वाली एग्जांपल जो एग्जांपल नंबर वन है उस उसके बारे में बता रहा हूं तो ये माइनस टू को भी आप बिल्कुल इसी तरह ले ले ये फोर है तो फोर बनाने के लिए आप उसको लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे टू और साथ में माइनस फोर अब ये फोर इसके अंदर एब्जॉर्व होगा तो ये तो चाहे आप नेगेटिव इंटीजर्स ले लें चाहे आप पॉजिटिव लें तो इन चारों में से कोसेट्स बनेंगे ये फोर ही आपके पास को कोसेट्स हैं ठीक है अच्छा यहां पर ये भी एग्जांपल आ गई कि ये Z जो था ये एक फाइनाइट सेट है इन, सॉरी इनफाइनाइट सेट है और फोर जी जो फोर के सारे इंटीग्रल मल्टीपल ये भी इनफाइनाइट है तो आपने एक इनफाइनाइट सेट का इनफाइनाइट के साथ क्वेश्चन रिंग लिया लेकिन रिजल्ट आपके पास बना फाइनाइट सेट ठीक है जी यहां पर आ, ये हम बात कर रहे थे थर्ड एग्जांपल में पोलिनोम रिंग के बारे में तो इसका फैक्टर ग्रुप आप कैसे बनाएंगे इसके बारे में हम देख रहे थे तो एफ ऑफ एक्स को आपने इसके अंदर एड करना है ठीक है अब ये जो एफ ऑफ एक्स है किसी भी फंक्शन को आप अगर डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से लिखें तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं Q ऑफ x और साथ में आपके पास यहां पर एक्स स्क्र आ जाएगा प्लस वन आ जाएगा और प्लस यहां पे कोई रिमाइंडर आ जाएगा एक्स ये ऐसे कैसे हमने लिख लिया इसको देखें सॉरी री फंक्शन लें जैसे यहां पर आप कोई भी आर्बिट्रेरी ले लेते हैं माइनस वन को मैंने आपको फोर की सूरत में लिख कर दिखाया जी थ्री माइनस फोर सही है तो इसी तरह थ्री अब यहां पर रिमेंडर था आ, मतलब आप इसको वही फैक्टर की सूरत में लिखेंगे तो ये फोर आपके पास पर्टिकुलर है तो माइनस वन को फोर से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर आपके पास आ गया थ्री मतलब किसी भी इंटीजर को आप फोर की सूरत में लिख सकते हैं लाजमी तौर पर लिखा जा सकता है तो इसी तरह से किसी भी फंक्शन को आप एक्स स्क्र प्लस वन की सूरत में लिखना चाहते हैं तो उसको लिख सकते हैं आप अब यहां पर ये रिमाइंडर होगा तो जब आप मॉड की बात करते हैं मॉड्यूलो की बात करते हैं तो उसके अंदर रिमाइंडर ही असल में रिजल्ट होता है अच्छा यहां पर अब कोई भी अगर एक्स स्क् प्लस वन इस आइडियल के अंदर बिलोंग करता है तो उसके लिए तो ये रिमाइंडर जो है ये आर ऑफ एक्स ये जीरो होना चाहिए ठीक है अच्छा एक और बात जैसे ये ऊपर एग्जांपल थी फोर की तो अब फोर से जितने भी स्मॉलर होते हैं ना वो तो फोर पर डिवाइड होते नहीं इसीलिए ये जीरो भी आ गया था वन भी आ गया था टू भी आया और थ्री भी आ गया बाकी जितने भी लार्जर है वो सारे जो डिवाइड हो जाते हैं उनमें से जो रिमाइंडर बचता है वो जीरो वन टू और थ्री की सूरत में बच जाते हैं अब इसी तरीके से यहां पर जितने भी फंक्शंस बन जाएंगे उनमें से जो रिमाइंडर होगा रिमाइंडर ये जो पोलिनोम आपको दिया हुआ है एक्स सेकंड ऑर्डर है अब ये सेकंड ऑर्डर हर पोलिनोमियल को डिवाइड कर देगा कब तक डिवाइड करता जाएगा जब तक उसकी डिग्री टू होगी जैसे ही वो डिग्री वन में आएगा तो वो उस पर डिवाइड उसको नहीं कर सकेगा तो वो रिमाइंडर के तौर पर बच जाएगा इसीलिए यहां पर जो इसके रिमाइंडर आएंगे या तो जीरो आ सकता है या फिर आप रिमाइंडर जो है वो लीनियर फंक्शन लेंगे ए एक्स प्लस बी की सूरत में तो इसीलिए आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि इसके अंदर जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स पड़े हुए हैं वो सारे इस फॉर्म में है कि रिमाइंडर में आपके पास लीनियर फंक्शन आएगा जो क्वाड्रेटिक से जिसकी डिग्री स्मॉलर है जो एक्स मतलब सेकंड ऑर्डर पोलिनोम पर मजीद डिवाइड नहीं हो सकता वो लीनियर फंक्शन होता है तो ये सारे के सारे को सेट उसके अंदर जो बन जाएंगे वो इस फॉर्म के होंगे मतलब इस सेट के अंदर x और प्लस ये वाला भी एक को सेट होगा ठीक है यहां पर मैंने ए वन ले लिया और b को मैंने जीरो ले लिया जैसे एक और एग्जाम्पल ले ले यहां पर टू एक्स प्लस थ्री कर ले तो ये भी इसके अंदर ये आ, ये जो कोसेट है ये भी इसके अंदर मौजूद होगा तो इस फैक्टर रिंग के अंदर इस क्वेश्चन रिंग के अंदर इस फॉर्म के सारे के सारे फैक्टर रिंग फैक्टर्स ये कोसेट्स पड़े हुए हैं